है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है ये थोड़ा मुख्तलिफ होगा और व्लॉग से, क्योंकि आज मैं विज़िट करने आया हूँ नॉर्दर्न बाईपास पे। जो ये एक स्कीम चल रही है, आप मेरे बैक पे देख सकते हैं, शंग्रीला सिटी की। तो यहाँ पे हमारा प्लॉटिंग है हमारी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे विज़िट करने आया था और आपके लिए भी यहाँ का एक पूरा व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और मेरे जो बैक पे ये जो रूट देख रहे हैं, रोड जो देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न बाईपास है। अगर आप नॉर्दर्न बाईपास से सीधा अगर आप लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो ये सीधा गवादर, इसी साइड से होता हुआ सीधा गवादर चले जाता है। और यही अगर यही रोड अगर आप यहाँ से मेरे राइट हैंड पे निकल जाएं तो यहाँ से सीधा ये जो नॉर्दर्न बाईपास है सीधा मोटरवे M9 पे चले जाएगा। तो आइए अभी ओला के चलते हैं, क्योंकि आगे इन लोगों ये इनका एक साइट ऑफिस है, एक ऑफिस और आगे है। और अभी आगे थोड़ा और आगे चलते हैं जहाँ पे इनकी एक मस्जिद तामीर हो रही है और वहाँ पे एक पार्क भी बन रहा है। तो और आइए और आगे चलते हैं। अब ये जो मस्जिद है और जो इनका पार्क तामीर हो रहा है, अब वहाँ चलते हैं। ये सब इसका साइड से व्यू है और ये पूरा प्लेन कर दिया सीधा, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एक प्लेन कर दिया यहाँ पे। और काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। पहले तो यहाँ पे बहुत झाड़ियाँ थी, लेकिन अब वो झाड़ियाँ जो है वो पूरा ख़त्म करके पूरा इन्होंने इसको पूरा एक फ्लैट मैदान की शक्ल दे दी है। और ये आप देखें, ये आपको पूरा जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर तो बहुत 10-10 फुट की झाड़ियाँ थी। उन झाड़ियों को बिल्कुल जो है वो क्लियर किया गया है, पूरा यहाँ बकायदा एक रास्ता बना दिया गया है। इस टाइम हम एक रोड पे जा रहे हैं, ये इसका बेसिकली रोड है ये। और देखें, ये एक जो है ये पार्क के लिए कुछ खुदाई वगैरह हो रही है, इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये कुछ पार्क वगैरह की सेटिंग हो रही है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो है ये बहुत अच्छी और एक बहुत ज़बरदस्त जगह होगी रहने के लिए, क्योंकि कराची शहर में अब तो आपको पता है कि वैसे भी अब रहने के बड़े मसले मसाइल हो गए हैं। अच्छा, ये जो आप एक झोपड़ी देख रहे हैं, ये जो चार दीवारी सी देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ हमारा एक प्लॉट भी है। बल्कि देखा जाए तो ये जो लाइन ये रोड है, ये इसी सराउंडिंग में हमारे 3 से 4 प्लॉट मौजूद हैं इस वक्त। तो हमने कहा चलो इसको अभी हम विज़िट भी कर लेते हैं, अपने प्लॉटों को भी देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं और आप लोगों दोस्तों को भी दिखा देते हैं। और उससे आगे की जो आप ग्रास देख रहे हो, वो बड़े बड़े दरख्त हैं, वहाँ भी प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ भी हमारे कुछ प्लॉट हैं, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो झाड़ियाँ हैं, उसकी सफाई सुथराई और फिर उसको डेवलपमेंट होना, क्योंकि डेवलपमेंट में वो इलाके में अभी टाइम लगेगा। लेकिन शंग्रीला सिटी जिस तरीके से यहाँ डेवलप हो रही है और काम हो रहा है, तो जैसा इनका टारगेट था 5 साल में ये आपको हैंड ओवर कर देंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 5 साल से पहले ही मुमकिन है कर देंगे। अभी देखें, इन्होंने ये जगह पार्क के लिए और मस्जिद के लिए जो है ये वक्फ की है। तो मैं अभी देखें, शायद इसकी ओपनिंग भी हुई थी, मैं आपको अभी इसकी ओपनिंग की कुछ वो जो प्लेटें होती हैं जिस पर ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, मैं बिल्कुल उसके करीब जाके। ये कुछ पार्क का व्यू है ये, क्योंकि ये हमारा जो प्लॉट है पीछे, इस प्लॉट के बिल्कुल बैक पर ये एक पार्क आ रहा है। तो समझे कि अब यहाँ जो है वो बस काम अब शुरू हुआ जाता है। ये देखें, शंग्रीला सिटी 63 टाउन स्कीम 45 कराची मस्जिद कुबा ST10 सैयद हुसैन अहमद भदनी साहब से ये 25 दिसंबर को यहाँ इफ्तिताह हो चुका है इसका, इस संगे बुनियाद है इसका। और ये देखें, ये इस मस्जिद का जो है वो बिल्कुल एक वो है स्ट्रक्चर, हाँ ये मतलब इसका मॉडल है, मस्जिद जो है वो इस तरह की बनेगी। ये देखें, ये मस्जिद बनेगी और ये इसकी लुक होगी और ये मस्जिद बनेगी, ये देखें आप, काफ़ी खूबसूरत है। हाँ काफ़ी, क्योंकि पार्क है, ये पार्क के साथ ही मस्जिद है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये भी इसका संगे बुनियाद इन्होंने रख दिया है, शंग्रीला सिटी 63 टाउन स्कीम 45 कराची रिजवान अहमद फारूकी पार्क। अच्छा, ये भी 25 दिसंबर को, यानी कि आप ये देखें कि ये, अच्छा ये पार्क होगा, मैं पार्क दिखाऊँ आपको, शंग्रीला सिटी का ये पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है ये। तो
और जब ये बन जाएगा तो कितना खूबसूरत, बहुत अच्छा लगेगा ये देखें आप। और ये आगे तक देखिए, ये पूरा ये जंगल था, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले हम जब यहाँ आए थे बुकिंग के लिए तो ये पूरा जंगल था, लेकिन अब पूरा काट दिया है झाड़ियाँ, ये झाड़ियाँ सफाई करके, ये देखें इन्होंने बकायदा इन्होंने निशान भी लगा दिए हैं, ये आप निशान आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, ये आपको रेड कलर के ये रहा निशान, ये देखें ये निशान है, और ये पूरा इन्होंने कवर कर दिया है। और ये देखिए, और ये जो आपको वो एक चार दीवारी सी नज़र आ रही है, इस जगह पे हमारे प्लॉट हैं, तो चूँकि हमने भी चॉइस करके लिए थे कि पार्क के बिल्कुल नज़दीक में, और वो सामने आपको नॉर्दर्न बाईपास नज़र आ रहा है। चलें अभी इसको आगे का भी दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी मैं शंगरिया सिटी से बाहर आ चुका हूँ, अगर आप वहाँ देखें मेरे बैग पे तो जो आपको छोटा सा एक हाउस दिख रहा है मैं उधर उस जगह पे खड़ा हुआ था, और अब मैं शंगरिया सिटी से बाहर आ चुका हूँ, और मेरे बैग पे आप जो देख रहे हैं ये पेट्रोल पम्प अटक का जो पेट्रोल पम्प है, इसी की बराबर में राइट हैंड साइड पर ये मस्जिद है अटक की, और इसी के राइट हैंड साइड पर हमें होटल मिलते हैं, जो कि यहाँ पर जो ट्रक वाले होते हैं वो यहाँ पे आके अपना जो खाना होता है वो खा लेते हैं। और मेरे बैग पे ही आप जो देख रहे हैं ये नॉर्दर्न बाईपास है, और ये रहा इनका ऑफिस। तो गाइस आपने मेरे बैग पे और इसकी पूरी मालूमात आपको मैंने दे दी है, अगर आपको मेरी आज का जो ये वाला व्लॉग जो है एक मुख्तलिफ व्लॉग है, अगर आपको यार व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल पाक व्लॉग एंड टेक को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।